हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग जो है मेरा संडे का है, इवनिंग का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोग से इवनिंग टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैं अब लगी हूँ अपना काम में, तो जो कि है मैं पाइप लगा ली हूँ, और पाइप लगाने के बाद एक गमला वगैरह में सारा पानी डाल दिया, साथ ही जो है आंगना भी धो दिए हैं, आंगन भी धो ली हूँ, क्योंकि आंगन जो है पूरा गर्म हो गया था। और अभी देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक से इतना गर्मी पड़ने लगा है, तो अप्रैल मई जून में क्या हालत होगा इस बार गर्मी से। 8 बजे के बाद इतनी तेज़ धूप हो रहा है और इतने तेज़ मतलब गर्म हवा फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया है। तो इसलिए मैं 8 बजे से पहले जो है काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो काम रहता है मैं छोड़ देती हूँ कि चलो शाम में निपटा लेंगे। बस गर्मी में यही रहता है कि सुबह या तो शाम में भी बहुत सारा काम जो निपट जाता है, दिन भी काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी समय भी मिल जाता है। तो इसलिए मैं मतलब समर में जो है मैं अक्सर शाम में ही सब काम निपटाती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे, अक्सर मैं मॉर्निंग में जो है पाइप लगा के मैं धोने धाने का काम करती हूँ, लेकिन अब समर सीज़न में मैं इवनिंग में ही करती हूँ। और आजकल धूप तेज़ हो रहा है, तो पूरा पौधा जो है गमला में जो सारा मुरझा जाता है, तो शाम में पाइप से पानी देने से क्या होता है, मिट्टी पूरा गीला हो जाता है, तो कल दोपहर तक मस्त ताज़ा रहता है। और इधर जो कुछ कपड़े हम भिगा दिए थे, तो ये भी हम धो लिए कपड़े भी। और गर्मी के सीज़न में जो है मैं कप से जो है मैं अक्सर मैं हाथ से धोती हूँ, मशीन में मैं बहुत कम ही कपड़े धोती हूँ, तो गर्मी में जो है हाथ से धोने बाद आसानी से सूख भी जाता है। और इधर देखिए बाहर जो है मेरे घर के जहाँ सामने में जो है एक्सीडेंट हो चुका है, एक कार जो मुड़ने जा रहा था, तो जो पोल जो है लाइट इस खंभे में आकर टकरा गया, बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका है। कार तो बहुत बुरा हाल हो गया कार का, शुक्र मैंने जो चला रहे थे वो सही है, उनका बस थोड़ा वो चोट लगा है। तो कार का जो हालत हुआ था बस उनको जो है वो बच गए हैं, मतलब बोलते हैं जाको राके शाही मार सके ना कोई, बस उनको भगवान ही उनको रक्षा किए हैं, बचाए हैं। तो भाई मेरा सारा काम निपट गया, सारा काम निपटाने के बाद हम जो है पूरा भीग चुके थे, तो हम क्या कहें साथ में जो है नहा लिए, आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो और मुझे भी नहा लिए तो काफ़ी फ्रेश लग रहा है, मन थोड़ा हल्का लग रहा है। तो उसके बाद देखिए हम आ गए, तो इधर जो है अंश को है जो सर में ठंडा तेल लगा रही हूँ। तो आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग हम बताए थे कि अंश का फीवर था और हेडेक हो रहा था, बस उसके बाद का ये वीडियो है मेरा संडे का। तो मॉर्निंग से नहीं बनाए थे वीडियो, क्योंकि मेरा भी कुछ तबीयत ठीक नहीं था आज, मतलब मेरा हेडेक हो रहा था, तो इसी कारण हम सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाए थे। और सारा काम भी जो था मेरा मतलब पेंडिंग में था मॉर्निंग का काम, तो बस वही सब काम अभी मैं इवनिंग में निपटाई हूँ। तो इधर अंश को हम ठंडा तिल लगा लिए, हमने तिल सर में लगा लिए थे। और देखिए अंश जो है इतना मुझे चश्मा लगाकर पहना रहा है कि मामा आपका हेडेक हो रहा है तो आप अपना चश्मा पहनिए, मैं आप तो चश्मा पहनती नहीं है। और हंस भी रहा है, बोला मामा आप चश्मा पहन के आपको दादी अम्मा लग रहा है, इसी कारण हम हंस रहा था। तो अब देखिए अब मैं जा रही हूँ, अब जो है अब शाम का टाइम मतलब संध्या का टाइम हो गया है, तब दियाबाती कर लेती हूँ। तो दियाबाती करने के बाद अब जो है मैं किचन आ गई हूँ, तो अब झटपट से चाय बना लेंगे। तो जब तक चाय उधर चला दी है, तो तब तक क्या करते हैं, जो दूसरा का जो बर्तन हुए थे सारा सूख गया था, तो सब बर्तन को बर्तन सेट कर दिए हैं। तो उधर चाय चला दी है, इधर जो है अंश के लिए आज मैगी बना रही हूँ, तो अंश बोला मामा मुझे मैगी दीजिए, तो बस इधर मैगी चला दिए हैं। तो देखिए चाय बन गया है और मैगी भी बन चुका है, तो हम जा रहे चाय पी रहे थे। और चाय पीने के बाद जो है आज हम अब जाएंगे टहलने, आज तो आज से जो है हम अपना मतलब जो है डेली रूटीन में मतलब डेली का जो भाग दौड़ रहता है इसमें आज हम जो है अब मैं अपना अपने लिए टाइम थोड़ा सा निकालेंगे सुबह शाम, जो है कि अब सुबह शाम जो है थोड़ा वॉक में जाएंगे। तो हम कुछ दिन पहले हम डॉक्टर से दिखाए थे अपना हेडेक के लिए, तो डॉक्टर बोले थे आपके माइग्रेन प्रॉब्लम है, बस इसका इलाज आपका एक ही
जरूरी है कि आपको सुबह शाम जो है वर्क करना है, टहलिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब जो है मतलब आराम मिलेगा सर दर्द से, बस आपका यही इलाज है। तो जो है आज के दिन जो है अपना दिनचर्या में जो है थोड़ा बदलाव करेंगे, डेली जो है हम सुबह शाम टहलने जाएंगे। तो हम शाम के टाइम टहल के आगे उसको हम कोई वीडियो नहीं बनाए थे रात में, फिर तो आप लोग से मिले हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब सोमवार का सुबह। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। टाइम है 5 बज रहा है तो मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं अपने हाथ मुंह धुल ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। तो अंश का जो है स्कूल है आज से, तो अंश का स्कूल टाइमिंग है 7:30 बजे से स्कूल है, तो अभी तो 5 बज रहा है। तो आप अभी जो है हम अपने टहलने जाएंगे, बस मॉर्निंग वॉक में जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेन गेट खोल दिए हैं, गेट खोल दिए हैं, और इधर एक गिलास भर के पानी पी लेंगे। पानी पीने के बाद अब हम जाएंगे टहलने। तो पानी वानी पीने के बाद जो हम टहलने चले गए थे, तो मोबाइल लेकर नहीं गए थे, तो हम टहल के आ गए। टहल के आने के बाद तो अभी देखिए अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा है, तो हम 5 बजे हम गए थे टहलने। हम आधा घंटा तक पूरा टहले हैं, तो आधा घंटा काफ़ी है वर्क मतलब अपने सेहत को, तो धीरे धीरे अपना ना धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा है, आधा घंटा बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम 20-25 मिनट तक हम चले थे, उसके बाद आ गए। और आने के बाद देखिए जो है, और अभी टाइम हो रहा है 5:40 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है। तो हम सारा जो है कपड़े, हम कल शाम में जो कपड़े धोए थे, तो सारा कपड़ा जो हम पानी निचोड़ के बाल्टी में रख दिए थे, रात में हम नहीं डाले थे आंगन में, क्योंकि रात के टाइम जो है खुला आसमान नीचे मतलब कपड़े नहीं डालना, नहीं रखना चाहिए, तो हम रात में नहीं डाले थे। अभी मैं जो है अब सारा कपड़ा जो है अभी मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। और अभी देखिए अभी 5:40 वैसे ही कुछ टाइम हो रहा है, और देखिए कितना अभी पूरा उजाला हो गया है। बस गर्मी के मौसम में यही है कि सुबह टाइम में पूरा उजाला हो जाता है गर्मी में, और सुबह के टाइम जो है काफ़ी अच्छा लगता है। मैं टहल के आई हूँ तो इतना अच्छा मुझे लग रहा है, खुद का शरीर में जो स्फूर्ति बहुत फुर्ती आ गया है, और मतलब इतना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह जो है हल्का हल्का मतलब एकदम हल्का ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, और चिड़िया का जो है चिहकने का आवाज़, मतलब इतना अच्छा वातावरण है मॉर्निंग का टाइम का, क्या बताया आप लोग को। अगर आप लोग अगर नहीं उठते होंगे तो प्लीज़ आप लोग सुबह पर उठ कर टहलिए, देखिए कितने अच्छे सुबह का जो है वातावरण रहता है। अब तो मैं आज से डेली सुबह टाइम, शाम अगर नहीं हो पाएगा तो लेकिन मॉर्निंग टाइम में डेली टाइम निकालूंगी अपने लिए टहलने जाने का। तो उसको देखिए अब मैं जो है अंश का टिफिन बना रही हूँ, तो टिफिन में आज अंश के लिए बनाई हूँ आलू पराठा, तो उधर मेरा नाश्ता बन गया है। तो अंश बोला मामा अभी हम आलू पराठा नहीं नाश्ता करेंगे, बस मुझे हल्का फुल्का कुछ दे दीजिए। तो अंश को जो है इधर हम केला, बादाम और दूध दे दिए थे, और इधर टिफिन भी पैक कर दिया। इधर अंश को बोला गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगा है, तो हम जो है एक बोतल में जो है ग्लूकॉन्डी दे देती हूँ, और एक बोतल में पानी डाल दे देंगे। और अभी ग्लूकॉन्डी भी बच्चे को देना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो एक बोतल में पानी और एक में ग्लूकॉन्डी दे दिए और टिफिन दे दिए थे। उसके बाद अंश स्कूल चला गया। अब मैं तो देखिए झाड़ू तो मेरा सुबह लग ही चुका था, बस पोछा लगाना है, तो कुछ देर बाद पोछा लगाएंगे। इधर नाश्ता मेरे को बन ही गया है, और देखिए मैं साथ में जो गया, मैं दोपहर के लिए मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, कटहल का मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आज। तभी मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो मैं पहले सोचे सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद नहाएंगे। तो इधर हम देखिए कटहल कट कर लिए थे, तो मैं कटहल का सब्ज़ी बना रहा हूँ दोपहर के लिए, तभी बना लेंगे। तभी वो मॉर्निंग में नाश्ता आलू पराठा है, आलू पराठा में तो सब्ज़ी नहीं लगता है, बस दोपहर के लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इधर कटहल कट कर लिए थे, कटहल के लिए मसाला पीस लेंगे, तो इसमें सरसों नहीं, जीरा, अदरक, लहसुन, सूखी मिर्च, लाल मिर्च सब पेस्ट कर लिए, बना लिए। और यदि कुकर चला दिए थे गर्म होने के लिए, और इसमें तेल डाल दिया है सरसों का तेल, कटहल का जो है बॉयल करके बना रहे हैं, बस धो लिए थे कुकर में बनाने के लिए, कुकर में मैं जो है कटहल को फ्राई करूँगी। कटहल को देखिए अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, तब जो है कुकर मतलब कुकर से निकाल लेंगे, तब जो है अब ग्रेवी बना लेंगे। तो कटहल फ्राई हो गया है, अब जो है अब सब्जी के लिए ग्रेवी बना लेंगे। तो इधर देखिए तेल और थोड़ा सा इसमें तेल ऐड कर दिए हैं, और इसमें अपना जीरा, तेज़पात और अपना जो खड़ा मसाला सब डाल देंगे। डालने के बाद अपना सब्जी प्याज वगैरह डाल देंगे, उसमें सब्जी अपना भून लेंगे। कल में उसमें तेज मसाला अपना भुना गया है, अब इसमें कटहल को ऐड कर देंगे। तो मेरा सब्जी मेरा लगभग बन ही गया है,
तो चलिए बहन, अब मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग एक लाइक से जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो फिर आप लोग से मिलेंगे अच्छे से कोई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।